थोड़ा बुकर बुकर ये लकड़ी एस वुड की है, ये हमने छेक मार दिया इसमें जो आप देख रहे हैं। ये हमने गुल्ली बनानी, इधर पहले भी छेक मार के रखा हुआ है कि जो अंदर बन रहा है, अंदर मिस्त्री लोग बना रहे हैं। और भी हम दिखाते हैं आपको, ये हमारी लकड़ी जो लगी हुई चक्का लगा हुआ है। ये हमने ना सूखने के लिए लगाया था, जो आई थी लकड़ी गीली थी, वैसे तो एक दो दिन में हो जाएगा हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। वैसे काफ़ी हद तक सूख गई है, इसको हम गोल करते हैं, गोल करके हम दिखाते हैं आपको। आ जाओ, ये जो मशीन है ये गोल करती है, इस पर हम गोल कर देंगे अभी ये डंडे को। ये ब्लेड लगा हुआ है इसमें, तो ये 30 mm मोटा निकालती है डंडा, पीछे को 30 mm निकलेगा डंडा मोटा। अभी हम गोल करके दिखाते हैं, ये हमने गोल कर दिया। वैसे काफ़ी हद तक पूरा साफ है, पूरा डंडा साफ है। ये इसके साइज का डंडा अंदर बन रहा है, हम दिखाते हैं आपको। आज ये यही डंडा है हम बना के रखे हुए, ये वही चीज़ है हमने तैयार किया हुआ। रंग कलर किए हुए हैं, आप देख रहे इसमें रेते हैं, तीखापन बहुत है। अभी हम रेत मार लगाएंगे तो पूरा मुलायम हो जाएगा। पूरा मुलायम हो गया, देख सकते हैं थोड़ा कलर में भी फर्क पड़ गया। अभी हम इसमें पॉलिश लगाएंगे तो अभी हम इसमें पॉलिश लगाएंगे तो ये हो जाएगा गोल्डन कलर में। ये जो हमने अभी रेगमाल लगाया था, ये हम आपको ना इसमें पॉलिश करके दिखाते हैं। लड़का लगा हुआ पॉलिश कर रहा है, अभी पॉलिश करेगा। इसका कलर ना चेंज हो जाएगा, थोड़ा गोल्डन टाइप में आ जाएगा, पॉलिश हो रहा है। ये मार दिया पॉलिश, उधर हमने ऑलरेडी पॉलिश करके रखा हुआ है हैंडल, उधर ऑलरेडी ये तैयार हुआ है। ये हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, ये पॉलिश हुआ है, ये कंप्लीट है, क्लियर है। तो वही चीज़ है, बन गई वो पकड़ाना रह हम आपको दिखाते हैं किसमें लगता है। ये इसमें लगता है हैंडल, इसे कहते हैं गार्डन रैक।
इससे कोई चीज़ आप इकट्ठा कर सकते हो खड़े होकर, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बनती है इसके, है इस चीज़ के हैंडल है ये किचन में। आयो आयो हम आपको इधर दिखाते हैं हमारे मिस्त्री क्या बना रहे हैं। बाहर गुल्ली दिखाया था छेक मारते हुए कि वही चीज़ है, ये बन गई।